हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इन्वेस्टिगेट द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू सो दैट द इक्वेशंस 2x + 3y + 5z = 9, 7x + 3y - 2z = 8 एंड 2x + 3y + लैम्डा z = म्यू हैव फर्स्ट नो सोल्यूशन, सेकेंड आर यूनिक सोल्यूशन एंड थर्ड एंड इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 किया था वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही किया था। तो ये भी सेम बिल्कुल क्वेश्चन वैसे ही है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। कब? आपको तीन कंडीशन बताइए, जब नो सोल्यूशन होगा तब, जब यूनिक सोल्यूशन होगा तब, और जब इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा तब। तब तब आपको तीनों कंडीशन पर लैम्डा और म्यू की वैल्यू को बताना है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे? गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, तो कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में? सो दैट इज 2 3 5 2 3 5, 7 3 -2, राइट, 2 3 लैम्डा एंड योर कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स दैट इज एक्स वाई जेड इक्वल्स टू योर कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स दैट इज 9 8 एंड म्यू। सो दिस आई कैन राइट इट एज नथिंग बट ए एक्स इक्वल्स टू बी, वेयर, तो ए क्या है? ए इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स दैट इज 2 3 5 2 3 5 7 3 -2 2 3 and λ. So this is your coefficient matrix. Capital X is nothing but X, Y and Z. And what about B? So B is column matrix of unknowns, that is column matrix of constants, that is 9 8 एंड म्यू, ये आ गया। अब इसके बाद में जब स्टार्ट करेंगे तो हम जानते हैं क्या करना है, तो हमें ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स निकालनी है। तो लिख देंगे नाउ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इज, तो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी? दैट इज ए बी कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड साइड बाय साइड कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। तो ए क्या है आपका? दैट इज 2 3 5 2 3 5 एंड 7 3 -2 7 3 -2, 2 3 λ 2 3 and λ विद डॉटेड लाइन्स आपका आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स दैट इज 9 8 and μ। तो पहला काम क्या है, हम लोग जितना करते हुए हैं वही रैंक निकालने के लिए पहले बनाएंगे इसको 1। तो 1 बनाने के लिए नीचे की हेल्प ले सकते हैं और कॉलम की हेल्प ले सकते हैं, पर कॉलम की इन दोनों की नहीं लेंगे क्योंकि नहीं तो लैम्डा इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट, इसलिए म्यू की भी नहीं लेंगे नहीं तो म्यू भी शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, इस कॉलम को यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? या फिर इस नीचे वाले रो को यूज़ कर सकते हैं कि इससे 1 बना लें। नहीं बनेगा तो जितना एलिमेंट्स लिखा है उतने से उसको डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि 3 में से 2 को माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा और फिर मैं इसको इंटरचेंज कर लूंगा। तो यहाँ लिखेंगे हम C2 को चेंज किया हमने, कैसे? C2 - C1, इसको यूज़ किया C2 - C1, तो वहाँ आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कितना? दैट इज़ 2 7 2, 3 - 2 हो गया 1, 3 - 7 हो गया -4, 3 - 2 हो गया 1, बाकी आपका एज इट इज़, उसको एज इट इज़ लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विद डॉटेड लाइंस आपका 9 8 और μ, राइट। तो अब ये 1 आ गया, 1 को जरा कर लीजिए रिप्लेस, तो इंटरचेंज हो जाएगा। तो यहाँ से कर लेंगे हम लोग C1 इंटरचेंज विद C2, सो दिस विल रिड्यूस 2। तो इंटरचेंज करेंगे तो 1 - 4 1, ये आ गया 2 7 2, बाकी आपका एज इट इज दैट इज 5 - 2 λ।
और ये आ जाएगा 98 μ, 98 μ, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, इस वन की हेल्प लेंगे, जैसे हम लोग करते हुए आए हैं अभी तक, वन की हेल्प लेंगे, इन दोनों को कर लेंगे ज़ीरो। तो ये ऑपरेशन क्या लग जाएगा, दैट इज आर टू माइनस है तो प्लस करेंगे, आर टू प्लस 4r1, और आर थ्री के लिए क्या कर लेंगे, आर थ्री सिंपली आर थ्री माइनस आर वन, तो रिड्यूस हो जाएगा कितने में, दैट इज 125, पहला रो आपका एज इट इज 9। तो आर टू प्लस 4r1, तो इनके लिए काम चल रहा है, तो ये तो आंख बंद करके जीरो लिख दीजिए, आर टू प्लस 4r1, तो ये आर टू प्लस 4, 4 टू जा 8, 8 प्लस 7 हो गया आपका 15, राइट, आर टू प्लस 4, तो 4 5 जा 20, 20 माइनस 2 दैट इज 18, इतना आ गया, ठीक है। आर टू प्लस 4r1, तो 4 9 जा हो गया 36, 36 प्लस 8 हो जाएगा 44, ठीक है, इतना, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर करेंगे आर थ्री माइनस आर वन, तो जीरो गया, 2 - 2 ये भी आपका जीरो आ गया, ठीक है। आर थ्री माइनस आर वन, तो आर थ्री माइनस आर वन दैट इज लैम्डा माइनस 5, ठीक है। और क्या कर लेंगे, आर थ्री माइनस आर वन, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 9, इतना आ गया। अब आप कहेंगे सर इसको भी वन बना लेते हैं, वन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वन बनाने के बाद इसको क्या करना था, हमें जीरो करना था, जीरो ये ऑलरेडी बना हुआ है और इसके नीचे कुछ है नहीं, तो आप इसको ना भी चेंज करें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग यहीं से ऑब्जर्व करके सारी चीज़ों को बता सकते हैं। तो फिर वही काम, आप इसको फर्स्ट बोल देंगे, तो इसी फर्स्ट को मैं कहाँ लिख लूँगा, इसी फर्स्ट को हम लोग लिख लेंगे अगले पेज पर फिर से दिखाने के लिए, ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आए कि इसको क्या लेने पर क्या आपको सिचुएशन नजर आएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, इसको वन बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं भी बनाना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको वन बनाने के बाद में यहाँ ज़ीरो बनाना था, ये ऑलरेडी ज़ीरो बना हुआ आया है, इसलिए हम लोग इसको ज़ीरो नहीं, अब इसको वन बनाना नहीं चाहते हैं, राइट। तो इसी को अब लेके चलते हैं अगले पेज पर और फिर वहां से ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को। सो स्टूडेंट्स, मैंने ये लाइन आपके प्रीवियस पेज से बिल्कुल कॉपी कर ली एज इट इज़, तो यहाँ पर अब यहीं से देखकर आपको सब चीज़ें बतानी है। तो पहला केस क्या है, फॉर नो सॉल्यूशन, तो पहले आपको कंडीशन याद आनी चाहिए, फॉर नो सॉल्यूशन, तो क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, फॉर नो सॉल्यूशन वी नो दैट इज रैंक ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं होनी चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए। तो ऐसा फर्स्ट से कब दिखाई देगा, तो फ्रॉम फर्स्ट इट इज पॉसिबल, ये कब पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल व्हेन, तो कब पॉसिबल है, जब ये जीरो हो जाए, लैम्डा माइनस 5 इज जीरो एंड म्यू माइनस 9 इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये चीज़ें मैं आपको लिखकर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से ही बताया है, अब मैं चीज़ सिर्फ समझा रहा हूँ, आप वर्ड्स पर मेरे ध्यान देना। लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ए की बात कर रहा हूँ, तो रह गई दो, तो रैंक हो गया 2 इसका, ठीक है। म्यू माइनस 9 मैंने लिया नॉन जीरो, ये नॉन जीरो लिया और ये आएगा पूरा कंप्लीट आपकी ए बी में, ठीक है। जब ए बी में आएगा तो रैंक ऑफ ए बी हो गया 3, तो रैंक ऑफ ए बी हो गया 3 और रैंक ऑफ ए इसका हो गया 2, तो 3 2 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये केस हो गया नो सॉल्यूशन का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या निकल गई, सो दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल्स टू 5 एंड म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 9। ऐसा जब आप लिखेंगे तो यहाँ से आपको इसका मतलब, चलो ये मैं लिख देता हूँ, मेरा मन नहीं था पर फिर भी बता देता हूँ, मीन्स यहाँ से क्या दिखाई देगा, रैंक ऑफ ए बी जो दिखाई देगा वो तो दिखाई देगा आपको 3 और यहाँ से रैंक ऑफ ए दिखाई देगा आपको 2। ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए। अगर लैम्डा 5 मैंने रखा तो ये हो गया 0, रैंक ए की हो गई 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने, 2 मिलेंगे आपको, और यदि मैंने ये नॉन जीरो लिया तो रैंक ऑफ ए बी मिलेगी मुझे 3, जो कि उसके इक्वल नहीं है। अब बात करते हैं हम सेकंड की, तो सेकंड में दिया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको लैम्डा और बी की वैल्यू बतानी है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या है, दैट इज वी नो दैट
वी नो दैट रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हमारे, दैट इज 3। तो फर्स्ट से आप ये देखकर बताइए कि रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए 3 कब होगी, जब आपका ये रो नॉन जीरो हो जाए। तो ये रो नॉन जीरो कब होगा, तब इन दोनों पर डिपेंड करता है। तो इनमें दोनों में ये वाला जो एलिमेंट है ये कॉमन है, क्योंकि ए बी में भी दिखाई देगा और ए में भी दिखाई देगा। इसकी वैल्यू से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इट इज पॉसिबल व्हेन आपका लैम्डा माइनस 5 को आप नॉन जीरो ले लीजिए एंड व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ म्यू आप म्यू की कोई भी वैल्यू रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने ये नॉन जीरो ले लिया है तो ये क्या है, कॉमन एलिमेंट का काम करेगा ए बी में भी और ए बी में। तो जब ये दोनों में काम करेगा और ये नॉन जीरो है तो ए बी की भी रैंक 3 हो जाएगी और ए की भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो आपके मिल जाएंगे 3। सो दिस इंप्लाइज लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 5। इसका मतलब, चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, इसका मतलब ये हो गया कि रैंक ऑफ ए बी आपका कितना रहा, 3 रहेगा, और रैंक ऑफ ए बी कितना रहेगा, वो भी 3 मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो अब आपके पास में 3 हो जाएंगे। अब आप चलते हैं कंडीशन नंबर थर्ड है, दैट इज फॉर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस कंडीशन के लिए आप क्या जानते हैं, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वी नो दैट रैंक ऑफ ए बी शुड बी रैंक ऑफ ए इक्वल टू, इसके इक्वल होना चाहिए, बट इट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स या फिर अननोन्स बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने आपके, 3 हैं, तो इन दोनों की रैंक 3 से कम होनी चाहिए। इसका ये मतलब है, दोनों इक्वल तो होने चाहिए दोनों की रैंक, पर 3 से कम होनी चाहिए। तो 3 से कब कम होंगे, जब ये वाला रो पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि तब जब ये पूरा रो जीरो हो जाएगा तो आपके पास रो बनेंगे सिर्फ 2 जो कि नॉन जीरो बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इट इज पॉसिबल when lambda minus 5 equals to 0 and mu minus 9 equals to 0, ठीक है, lambda minus 5 equal to 0, mu minus 9 equal to 0। इसका मतलब क्या हो गया, this implies lambda equal to 5 and mu equals to 9। तो जब ऐसा हो जाएगा, lambda minus 5 और mu minus 9 0 हो जाएगा, तब उस केस में क्या मिलेगा आपको, मतलब ये आपको मिल जाएगा रैंक ऑफ ए बी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, एंड रैंक ऑफ ए बी आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, जो कि 3 से कम है, राइट। तो इस कंडीशन को इस तरीके से देखेंगे कि पूरा जीरो कर दिया हमने, जब जीरो कर दिया तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने रहे आपके पास, 1 रो ये रहेगा, 1 रो ये, इसका मतलब ए बी की भी रैंक 2 हो गई और ए की भी, दोनों इक्वल भी हैं पर नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम है तो ये आपका आ गया इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तीनों केस मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिए हैं, आपको अच्छे समझ में भी आ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।